का हाथ रखो तुम लोग, आप लोग जाएंगे नहीं ना? नहीं जाएंगे ना? आप सादरता नहीं करेंगे ना? ये देख लीजिए, प्रशासन के लोगों से बता देना चाहता हूँ, ये शासित शिक्षक है, भले शिक्षा मित्र नाम पड़ गया है लेकिन वो शिक्षा मित्र नहीं है, शिक्षक मित्र है, शिक्षक भी है और शिक्षा के मित्र भी है। इस नाते साथी आप लोग धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक बनाए रखें और मीडिया के लोगों को छोड़ दीजिए, और लाइव कास्ट चलेगा, लाइव कास्ट, योगी जी जहां बैठे होंगे उनको भी पता चलेगा कि नहीं मानेंगे शिक्षा मित्र। अनुपमा जायसवाल जी माननीय मंत्री जी को भी पता चलेगा कि धमकी देने का क्या हर्ष होता है। हाँ धमकी दी थी कि मान दे ईद का वेतन रिकवरी करा लेना। मैं भी चुनौती देना चाहता हूँ कि जितने हम लोगों के बीवी बच्चों बच्चे हैं सब अपनी गोदी से उतार के पाराइज के उनके घर में रख देंगे कि इसको देखिए, अब उनको पता चलेगा माँ बनने की क्या हर्ज होता है। मुझे नहीं लगता है कि माँ बहन को ऐसी बातें बोलनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे अपमानित बात बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ आपके धमकी से शिक्षा मित्र नहीं डरने वाला है। अरे कलम में पावर हो तो चलाइए इनके खिलाफ, मैं देखता हूँ आपके कलम में दम कितना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इनको निकाला नहीं जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इनका अनुभव में छूट देनी है, ये मर्सी से नहीं दे रहे हैं, झुंझुना नहीं थमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इनका एज में रिलैक्सेशन चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया है, इनके हाथ से नहीं मिला है। मुझे तो ये दुख था, एक बात का दुख है साथी, कि यदि सुप्रीम कोर्ट का दी होती दिन को घर बैठा दो ते घर भी बैठा देते, लोग बैठा देते कि नहीं बैठा देते? कुछ कोचिंग में मेरे भाई चले गए, कोचिंग में, कोचिंग कोचिंग कर रहे, कोचिंग। यदि 2019 में कोचिंग फेल हो गया तो क्या होगा? कुछ मेरे भाई आरोप लगाए थे कि शाही चीटी स्वीकार नहीं फांसी स्वीकार करेंगे, उससे भी संखंडन करना चाहता हूँ। चार बार सपा के सरकार में टीटी की परीक्षा दिए हो कि नहीं दिए हो? और रिजल्ट कितना आया है, कितना आया है? तो मैं टीटी पास कर लूंगा, बीसीएस पास कर लूंगा। अरे पढ़ने के लिए 3 महीना का अवकाश तो दे दीजिए ना, दीजिए और अवकाश देंगे, और देंगे लोग तो विद्यालय में ताला लग जाएगा, बच्चे फरार हो जाएंगे, तब क्या होगा? केंद्र सरकार के मोदी जी का घेरो घेरो, पकड़ो पकड़ो। तो हम लोग मानने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने आए हैं, संघर्ष करने आए हैं, संघर्ष करें। मेरे भाई आरोप लगाओ मत, कोचिंग कोचिंग छोड़ो, और सबसे बड़ा कोचिंग यही है, यही है कि नहीं है? आवाज दो, कोई हाथे नहीं उठा रहा, क्या आप लोग मर रही नहीं है क्या? आवाज दो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ये चौधरी से मेरे भाई ताली नहीं बजा रहे हैं, अरे ताली बजा रहे हैं क्या होता है? जब तक जेल में चला रहेगा, अरे इतनी बड़ी जेल दिल्ली का तिहार जेल नहीं होगा, और तिहार जेल हम अपने बच्चों के घर देंगे, घर देंगे कि नहीं घर देंगे? और शिक्षा में दो भी दो बेटा बेटियां और उनके सास ससुर, उनके माता पिता, और एक शिक्षा मित्र, 5 लोग तो है, और 1,70,000 में 5 का गुड़ा कर दो। तिहाड़ जेल में भी पता चल जाएगा कि 4 तिहाड़ जेल बनेगा तो ही जगह नहीं बचे, बच्चे की क्यों डर रहे हो यार? हवा को धन्यवाद।
प्रधान जोश खरोस लड़ाने के लिए पैदा करने के लिए आदरणीय जितेंद्र शाही जी को धन्यवाद। हमारी बहन रीना सिंह जी बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। उससे पहले विश्वनाथ कुशवाहा जी और नीत जी का भी इस मंच पर स्वागत है, हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ूं, तब तक आप इंतजार करें कि इस सफर को चंद मीलों में मत बांटिए, इस सफर को चंद मीलों में मत बांटिए, काम को।